फिल्म स्टोरीज लेकर आए हैं 1965 में रिलीज हुई फिल्म बंधन। बंधन राजेश खन्ना की लगातार 17 हिट फिल्मों में से उनकी तीसरी मूवी थी। इस वीडियो में हम जानेंगे बंधन फिल्म की स्टोरी, बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस और फैक्ट्स के बारे में। मैं इसकी कहानी पहले आपको थोड़ा ब्रीफ में समझा दूंगा। जीवन लाल एक बहुत बुरा आदमी है, वो चोर है, शराबी है और उसमें दुनिया की सारी बुराइयां हैं। जीवन लाल इतना बुरा है कि वो अपनी बेटी बेटे का ख्याल नहीं रखता। अपनी बेटी के गहने नाचने वाली को दे आता है बिल्कुल उसकी शादी के एक दिन पहले। वो अपने घर वालों का ख्याल नहीं रखता, पूरे गांव में बदनाम है और काफ़ी बुरा आदमी है। जीवन लाल का बेटा है धर्मा, वो ईमानदार है और धर्मा एक किसान है, किसानी का काम करता है। धर्मा का खेत गाँव के लाला के पास गिरवी है। धर्मा और लाला की बेटी गौरी एक दूसरे को चाहते हैं। लाला को ये रिश्ता पसंद नहीं। लाला धर्मा के खेत पर कब्जा कर लेता है क्योंकि वो गौरी से धर्मा की शादी नहीं होने देना चाहता और वो धर्मा को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना चाहता है। वहीं जीवन लाल घर की गाय को बेचना चाहता है ताकि जीवन लाल उन पैसों से शराब पी सके और अपनी अय्याशियाँ कर सके। इस पर धर्मा जीवन लाल पर लाठी उठा लेता है। आदर्श माँ पति धर्म को, पति बंधन को प्रायोरिटी देते हुए धर्मा को घर से निकल जाने के लिए कहती है। धर्मा शहर चला जाता है और वहाँ काम करना शुरू कर देता है। खर्च के लिए वो गांव पैसे भी भेजता है, बस ऐसे ही दिन कट जाते हैं। एक दिन धर्मा चिट्ठी भेजता है कि वो गांव लौट रहा है और जब गांव लौटता है तो सब लोग उसकी आने की तैयारी कर रहे होते हैं। इस बीच वो जैसे घर की तरफ घर पहुँचता है, वो देखता है कि जीवन लाल गौरी को अकेला घर में पाकर उस पर बुरी नज़र रखता है। इस पर जीवन लाल और धर्मा में हाथापाई हो जाती है, जिसमें जीवन लाल की एक्सीडेंटली मौत हो जाती है। जीवन लाल को तो पता चलता है कि गौरी और धर्मा एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो जीवन लाल धर्मा से माफ़ी मांगता है और कहता है कि इज्जत की खातिर वो इस बात को किसी को ना बताए कि उसकी नज़र थी गौरी पे बुरी। और जीवन लाल गौरी से इसलिए बदला लेना चाहता था क्योंकि उसके लाला से कुछ हिसाब लेना था। अब कहानी आगे बढ़ती है। जब धर्मा की माँ घर पहुँचती है तो धर्मा के हाथ में कुल्हाड़ी देख वो समझ जाती है कि धर्मा ने कत्ल किया है। गौरी को उस वक्त तक वहाँ से भगा चुका होता है धर्मा। जेल जाता है, वो सारा जुर्म कबूल कर लेता है क्योंकि वो बता नहीं सकता था कि गौरी उस वक्त वहाँ मौजूद है। वकील कोर्ट में साबित कर देता है कि गौरी वहाँ थी और हो सकता है गौरी ने ही कत्ल किया हो। हालात को देखते हुए धर्मा सच बता देता है जो भी वहाँ पर हुआ था और इस तरीके से धर्मा छूट जाता है और कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है, हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ये थी बंधन की कहानी जो मैंने आपको सीधे तरीके से समझाया। इस फिल्म को करीब करीब 3 घंटे तक की ये मूवी है, इसमें कई उतार चढ़ाव, कई इमोशनल सीन्स हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। बंधन फिल्म ने 2,80,00,000 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। ये फिल्म 1969 में 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। टॉप 5 फिल्मों में थी इत्तेफाक, प्रिंस, एक फूल दो माली, दो रास्ते और टॉप पर थी आराधना। बंधन राजेश खन्ना और मुमताज़ की लगातार दूसरी फिल्म थी। इस फिल्म के सभी गानों को राजेश खन्ना के लिए आवाज़ दी थी महेंद्र कपूर ने। बंधन के डायरेक्टर नरेंद्र बेदी की ये पहली फिल्म थी एज अ डायरेक्टर। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ हम जानेंगे किसी और फिल्मी स्टोरीज के बारे में। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और हमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।